बंगाल में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि पार्टियां अपना पूरा जोर लगाएंगी ही। बंगाल के चुनाव के बीच बड़े जोर शोर से चर्चा है कि पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। कोलकाता में होने वाली पीएम मोदी की रैली में सौरव के शामिल होने की अटकलें तेज हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी के जरिए एंट्री करने के कयासों पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने कहा, उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि इशारों में सौरव ने बीजेपी को ना कह दिया है। हमेशा से खुद को क्रिकेटर के तौर पर ही प्रोजेक्ट करने वाले सौरव गांगुली ने अपनी टिप्पणी से साफ किया है कि वो आगे भी इसी रोल में रहेंगे। बीसीसीआई के मुखिया के तौर पर खेल प्रशासक के रोल में आने के बाद से उनके राजनीति में आने के भी कयास लगाए जा रहे थे और इसी बीच बंगाल में चुनावी मौसम भी आया तो चर्चाएं और तेज हो गईं। ऐसा पहली बार नहीं है जब सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सामने आई हों। कई महीनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि गांगुली को बीजेपी सीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के दूसरे नेता हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही बनेगा, बाहरी नहीं।